Praise the Lord. Praise the Lord. Yes. मुझे इंग्लिश रे परिचय देबी जो द्वारा जो माने भाई को आडू आज जॉइन कर थिवे उड़िया बुझनो थियो से माने बुझिवे ठीक अछि यस दिस दिस इज माय ग्रेट जॉय एंड प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस माय एल्डर ब्रदर फ्रॉम माय ओन विलेज एंड ओन चर्च पास्टर केशव कुमार प्रधान. He is a good speaker in our local church. And I tell you, those who hear messages from him, they are still remembering him. Amen. Still they are talking about him. And still they want to hear from him. I thankful to our dear brother. He has accepted our invitation and he has joined with us. So, I hope we all will be blessed by the word of God. And we have been praying for him. And brother, I tell you that our church is so excited today to hear God's word from you. And some devices that we are sitting here, 3 to 5 people, some device 5 to 10, some even 10 to 15 people we are sitting in different places, different houses, and I guess more than 100 people we are waiting to listen from you. And I like to welcome our brother. Let us give a big hand, let us clap him and welcome him. This is his time. He will come and he will take 30 to 40 minutes, and we will be going to pray for sick people and different kind of prayer points. Thank you, brother. This is your time. Thank you. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. आज के ताम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं. मैं सबसे पहले माफी चाहता हूं कि बहुत साल के बाद एक ओडिया फेलोशिप के साथ मेरा संगति हो रहा है. बहुत वर्ष बीते गोलानी मुझे भोपाल रे परमेश्वर सेवा करूँगी. 12 वर्ष है ओडिया बहुत कम कह मत सुजोग मिलूची. आज भी मु चेष्टा करी कि मु हिंदी रे प्रचार करने मु मोर भाई चिरंत नायक को बहुत बहुत धन्यवाद दिए. आपणकर पास्टर आदरणीय निर्मल खोरा को बहुत बहुत धन्यवाद दिए. उपासना गृह समस्त मंडल मोर प्रिय भाई भौनी मानों को माँ बाप मान को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे नमस्कार कहे. मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर आपके साथ बात करने जा रहे हैं मेरे प्रिय. और मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन हम सबके लिए आज आशीष का वचन रखा है. और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा छोटा भाई पूरे परिवार के साथ वहां समर्पण के साथ पास्टर निर्मल खोरा के साथ काम कर रहा है. और आप सभी को देखते हुए मुझे बहुत प्रसन्न हो रहा है. मु आज बहुत आनंदित कहीं कि मो मोर निजर मंडली मु भावे कहीं कि आमर प्रभुंकर दास माने से माने परिश्रम करुछंती प्रभुंको काम करुछंती. आउ मंडल रो समस्त लोक मानक मु पुनः धन्यवाद दिए. आइए हम समय को नहीं गवाएंगे और हम लोग वचन में जाएंगे. मैं माफी चाहता हूं कि मैं हिंदी में ही बोलूंगा. बीच में थोड़ा अगर उड़िया आ जाएगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा. सो प्लीज बेयर विथ मी. आप लोग मेरे साथ थोड़ा सहयोग करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आज का वचन हम सब के लिए आशीष का वचन होगा. क्योंकि बीते 2004 से ही मैं बाहर हूँ. 12 साल हो गया मुझे यहाँ भोपाल में एक कलिसिया में मैं पास्टर हूँ. उसके बाद एक बाइबल कॉलेज में मैं टीचर भी हूँ और अलग अलग तरीके से परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. प्रभु ने मुझे 2 बेटियों के साथ आशीषित किया है. पहला बेटी जोआन और अभिगेल और मेरा एक ही पत्नी है.
हालेलुया। सब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आइए हम वचन को जाएंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। आज का वचन पिता परमेश्वर तेरे ओर से होने वाला हो सके, आपकी आवाज को हम सुनने वाला हो सके। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में तो काम कर पिता परमेश्वर। आज मैं नहीं वरन तेरा आवाज को पिता परमेश्वर मेरे प्रिय भाई और बहनें सुन सके। प्रभु जी उनके हृदय में बहुत आयुष्य तू आशीष को प्रदान कर, दुआ हमारा उद्धार करते प्रभु यीशु ख्रिस्त के सामर्थ्य नाम से कर मांगते हैं, आमेन आमेन। मेरे प्रियो हम सब जानते हैं कि हम एक बहुत ही इस वैश्विक महामारी में जो पेंडेमिक जिसको हम बोलते हैं जो कोरोना वायरस से हम सभी लोग जूझ रहे हैं, परंतु आज के शाम आपके सामने कुछ बातों को जो प्रभु ने मुझे दिया है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कि यदि आपके पास में बाइबल है कोई भी आप उड़िया में से पढ़ सकते हैं। भाई चिरंतन मेरे छोटा भाई को मैं कहूंगा कि वो मुझे मदद करें कि निर्गमन की किताब निर्गमन तीसरा अध्याय उसका 6 से लेकर 10 पद तक पढ़ने के लिए मदद करेंगे। निर्गमन तारो तीसरा अध्याय उसका 6 से लेकर 10 पद तक पढ़ेंगे। से आहुरी कहिले आमे तुम्हार पौत्र को परमेश्वर अर्थात अब्राहम रो परमेश्वर और इसाक रो परमेश्वर और जाकूब रो परमेश्वर तोहिरे मोसा अपना मुख आच्छादन कले कारण से परमेश्वर को प्रति दृष्टि करबा को भीत हेले। अनंतर सदा प्रभु कहिले आम्भे मिसर देश स्थित अपना लोक मानकर क्लेश नितांत देखी अछु ओ कार्य शासक मानक लागि सेमानक रोदन सुनी अछु आम्भे सेमानक जंत्रणा जानी अछु ए हेतु मिस्री और लोक मानक हस्तरु सेमानक उद्धार करबाकु पुनी सही देशरु उत्तम और प्रशस्त एक देश को अर्थात किणानीय अहितीय इमोरीय अपिरिसीय अहितीय अजीबुसीय माने जेउ स्थान रे थांती सही दुग्ध मधु प्रभाई देश को सेमानकु नै जीवाकु अल्हाई आसिलो जेहेतु देख इस्राएल रो संतान यस 10 पद तक पढ़ लीजिए। इस्राएल रो संतान गण रो क्रंदन आम्भर कर्ण गोचर हला आहुरी मिस्रीय लोक माने सेमानक प्रति जेउ धरात्म व्यवहार करंती ताहा आम्भे देखिलु एणु एबे आसो आम्भे तुम्हकु फारो निकट को प्रेरण करिबा तुम्भे मिसोर ठारो आम्भर लोक इस्राएल संतान गण को बाहर करि आनिबो। हो गया ब्रदर आमेन। बहन बहुत बहुत धन्यवाद आज के वचन के लिए। परमेश्वर का वचन में आज देंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़े बड़े हमें एमती चिंता करो छे कि परमेश्वर यही समय कुआड़े अच्छा कि कहाँ है मेरा परमेश्वर। हम जितना तक पीड़ाओं में हम जा रहे हैं कितना कष्ट से रहे हमारे प्रिय लोगों को हम खो रहे हैं हमारे जो फ्रेंड्स से हमारे जो परिवार के सदस्य हैं हम इस महामारी के दौरान खो रहे हैं। परंतु मेरे प्रियो आज के सामने आपके आपको कहना चाहूंगा कि परमेश्वर जो है अपने समय पर काम करता है। हालेलुया। गॉड एक्ट्स दिस टाइम। परमेश्वर तांकर निज समय रे से काम करंती। जदि आपनो एही बैकग्राउंड तक आपनो जदि देखिबे के लिखा है इसमें हम जानते हैं कि 430 साल पूरा होने के बाद 430 इयर्स पूरा होने के बाद परमेश्वर अपने दास को वचन को देता है और परमेश्वर मूसा को बातचीत करता है क्योंकि जानते हैं कि इजरायली जो है 430 साल तक बंधुवाई में है से बंदी गृह रे अच्छी मिस्र देश रे 430 वर्ष हेलाणी तापरे से तांकर दास मूसा को से निमंत्रण करूची किंतु से सिलेक्शन करूची तांकर पिलामानन को से ठारू आनिबा पाई।
मेरे प्रभु आज के सामने आपके साथ ये कहना चाहूंगा कि परमेश्वर जो है मेरे समय के अनुसार नहीं, आपके समय के अनुसार नहीं, और किसी व्यक्ति के कहने पर नहीं, परंतु वो अपने समय पर काम करता है। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन क्या, 430 years वो जब बंदवाई का समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने काम किया। आज हम सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमें मदद कीजिए कि परमेश्वर आप हमें जल्द से जल्द इस मुक्ति और छुटकारा को प्रदान करे, वो महामारी से हमें मुक्ति को दिलाए। परमेश्वर से हम विनती करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके समान और मेरे समान सोचते नहीं है। उसका सोचना आपसे और मेरे से कहीं ज्यादा अलग है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने समय पर ही काम करता है। आज दुख है, तकलीफ है, हमारे सामने बहुत सारे पीड़ाएं हैं, कष्ट है कि हम इसको नहीं जानते कैसे कब तक ये रहेगा, परंतु परमेश्वर कहता है कि वो अपने समय पर काम करता है। मेरे प्रियो आज के वचन में अगर आप देखेंगे परमेश्वर God's timing are perfect। परमेश्वर का जो समय है वो सबसे बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। एंड परमेश्वर का वचन में लिखा है, आई एम द गॉड ऑफ यहोवा। परमेश्वर कहुछंती मो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जेहोवा, ही इज जे जे अटंती से आगो को भी रहिबे, ही इज द गॉड ऑफ इटर्नल से समस्त चिरस्थाई परमेश्वर। और परमेश्वर केवल उतना ही नहीं, परंतु परमेश्वर कहता है कि जब अपने समय पर काम करेगा तो परमेश्वर बहुत अच्छा ही करेगा। मेरे प्रियो एग्जाम्पल आप जानते हैं लाजरस के मृत्यु के बारे में। लाजरस का जब मृत्यु हुआ, लाजरस के बारे में परमेश्वर प्रभु यीशु को मालूम था, और लाजरस के परिवार को बहुत प्यार भी कर रहा था। और लाजरस के बारे में कहा जाता है कि ये परमेश्वर प्रभु यीशु का एक मित्र था, वो परिवार बहुत उसको प्रभु यीशु को सेवा कर रहा था। जब लाजरस का मृत्यु हुआ, 4 दिन के बाद प्रभु यीशु उस घर में जा रहा, उनको मालूम था, पास में ही था मेरे प्रियो, परंतु 4 दिन बीतने के बाद लाजरस कब्र में पड़ा है और वो उस स्थान पर बैथनी में जा रहा है मेरे प्रियो। और जब मरियम और मार्था ने दौड़कर प्रभु यीशु के पास में गया और कहा, प्रभु यीशु यदि आप हमारे साथ में अगर उससे पहले होते शायद मेरा भाई नहीं मरता। परंतु गौर करने की बात यह है, प्रभु ने कहा यदि तुम विश्वास करोगे, यदि तुम विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। उसके बाद क्या हुआ मालूम है मेरे प्रियो, लाजरस जो कब्र में पड़ा था प्रभु यीशु ने उसको नाम लेकर बुलाया और परमेश्वर की महिमा किया। हालेलुया, तो गॉड्स टाइमिंग आर परफेक्ट। परमेश्वर का जो समय है वो सही है, वो कभी लेट नहीं होते, कभी पहले नहीं आते, परंतु वो हर एक समय पर हमारे मध्य में काम करते हैं। इस वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको क्या कहना चाह रहा है कि परमेश्वर ये जो महामारी हमारे सामने है थोड़े समय के लिए जरूर है, परंतु परमेश्वर एक सही समय पर आपको और मुझे छुटकारा प्रदान करेगा। और दूसरी बात जो है, परमेश्वर को हम बहुत बार कहते हैं कि परमेश्वर मेरा दुख को, पीड़ा को, तकलीफ को समझते नहीं है। कभी कभी हम बोलते हैं कि परमेश्वर मैं अकेला महसूस होता हूं, मुँह एकांत पड़ी गली, मोर दुख कष्ट जंत्रणा किए भी बुझु नहांती, मु परमेश्वर को प्रार्थना कली परमेश्वर सुनु नहांती, किंबा परमेश्वर मोर एही पीड़ा को सेमान देखु नहांती। परंतु 7 पद में अगर आप पढ़ेंगे, 7 पद में परमेश्वर क्या कह रहा है, उसमें निर्गमन 7 पद में बहुत ही सुंदर वचन लिखा है। 7 पद में पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है,
फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपने प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनका दुख निश्चय देखा है। उड़िया में क्या लिखा है पढ़ लीजिए, सात पद में। अनंतर सदा प्रभु कहिले आम्भे मिस्र, सदा प्रभु कहिले हाँ, आम्भे मिस्र देश स्थित, हमें मिस्र देश स्थित हाँ, आज के शाम परमेश्वर आपको कहना चाह रहा है कि मोर दुख कष्ट जंत्रणा सब परमेश्वर देखी अछंती आ से जानू अछंती से सुनू अछंती आ परमेश्वर एही काम करिया पाए आगो को अगर पड़ीबे सेठे लिखा अछि I have come down to rescue you. परमेश्वर का कहना है कि मैं इसीलिए उतार कर आया हूँ, स्वर्ग से उतार कर आया हूँ, मैं इस पीड़ाओं में कष्ट में मैं तुझे छुड़ा लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो आज के शाम परमेश्वर का वचन कहना चाह रहा है कि परमेश्वर केवल अपने समय पर काम नहीं करता है, परंतु आपके कष्ट को, आपके पीड़ाओं को, आपके जो क्लेश है वो सब देखता है मेरे प्रियो, वो सब आपके सारे दुखों को जानता है मेरे प्रियो, आपके सारे उन पीड़ाओं को, वेदनाओं को परमेश्वर समझता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर दूसरे के समान नहीं है, वो हमारे इमोशंस को जानता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैंने मेरे प्रिय लोगों का दुख निश्चय देखा है, देखा है, मैंने उसका दुख को महसूस किया है। आज मुझे नहीं मालूम हमारे प्रिय भाई और बहन बहनों को कितने लोग आपके परिवार में, यदि कोई आपने खोया है इस कोरोना महामारी से, परमेश्वर आपको आज के शाम कह रहा है, मैं आपका दुख क्लेश को मैं जानता हूं, मैंने देखा हूं, आपके जो पीड़ा है, आपके जो आंसू है, आपके जो क्रंदन है, तमरो अपन समस्त कष्ट को मु देखुअछि, मु जानुअछि, आ मु जानिछि। परमेश्वर आपन को कहछन्ति मोर प्रिय भाई और बहन मान, उतना ही नहीं परमेश्वर आगे कहता है, आगे कहता है कि सातवा पद, सात को अगर आगे अगर आप सात और आगो आगो को जो आपन पढ़ीबे उसमें लिखा है, उसमें लिखा है, उसने चिल्लाहट परिश्रम करने वालों को कारण होता है, और मैंने सुना है उनकी चिल्लाहट, उनके चीखना, उनके प्रार्थना, उनकी पीड़ाओं को मैंने सुना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, हम परमेश्वर के पास में गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर के निकट में जाते हैं और हम आंसुओं के साथ हम प्रार्थना करते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे प्रार्थना क्यों नहीं सुना। मेरे प्रियो आप सोच लीजिए, 430 years, 430 वर्षों एमाने बंदवाई रे थिले, अन्य देश रे थिले, सेमाने मिस्र देश रे थिले, किंतु सेमानंकु केते दुख कष्ट जंत्रणा सेमानंकु मिश्र लोक मानंकु द्वारा दिया जाउथिला, केवल आमरो ए 2021 पर्यंत 2 वर्ष हेलाने आमे कोरोना वायरस रे अछु, किंतु कष्ट केते होउछि, किंतु 430 वर्षरु इजराइल लोक माने एही कष्ट आ पीड़ा जंत्रणा रे सेमाने मिश्र देश रे अछन्ते, अन्य देश रे जेहोवा को से माने आराधना करि परुनहांते, किंतु से माने कष्ट रे तांकर जीवन कोचंते, किंतु परमेश्वर कोचि आज आज मेरे बच्चों का जो रोना है, ओ प्रार्थना है, मेरे कानों में सुनाई दिया है। हालेलुया, परमेश्वर आज आपको कहना चाह रहा है, मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहने जो प्रार्थना किया है आपकी पीड़ाओं को और आपके सारे दुख और कष्ट को मैं जानता हूं और मैंने सुना है। आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, आगे इस प्रकार लिखा है, तो 8 पद को अगर आप पढ़ेंगे, 8 पद पढ़ दियो तुम्हारो भावन पौनिमान तो उद्धार कर उत्तम और प्रशस्त
एक देश को अर्थात किनानियो ओहितियो ओ इमोरियो ओ पिरिसियो ओहितियो ओ जिबुसियो माने जेउ स्थान रे थांती से दुग्ध मधु प्रभाई देश को सेमान को नै जीवा को अल्हाई आसिलु आमेन प्रभु को वाक्य को है के नाउ नाउ सो आई हैव कम डाउन टू डिलीवर देम इसीलिए अब मैं उतार आया हूं। परमेश्वर केवल आपके कष्ट और पीड़ाओं को नहीं जानता है, परमेश्वर केवल अपने टाइम पे काम करता है, इतना ही नहीं परमेश्वर आपके चीख चिल्लाहट को दुख को समझते उतना ही नहीं, उससे बढ़कर परमेश्वर आज के साम आपको कह रहा है इसीलिए मैं उतार कर आया हूं कि आई हैव कम डाउन टू डिलीवर देम, कि इसीलिए उनकी पीड़ाओं को कष्ट को मैंने देखा है, मैंने सुना है और उनके साथ जो मिस्र के लोग उसके ऊपर जो ताड़नाएं दी जाती है उसको मैंने देखा है, इसीलिए मैं आज उतर कर आया हूँ। हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई और बहने, आज हो सकता है आपके परिवार के लोग आपको नहीं समझ सकते, आपके जो दोस्त है आपको नहीं समझ सकते, आपके जो साथ काम करते हैं वो शायद नहीं समझ सकते, परंतु आज परमेश्वर आपको कहना चाह रहा है कि मैं आज उतार कर आया हूं कि मैं तुझे इस सारे कष्ट से पीड़ाओं से दुख से तकलीफ से मैं तुझे छुड़ा लूंगा और उस जहां दूध और हनी जो बहता है प्रतिज्ञा के देश में मैं उसको लेकर जाऊंगा। आज के शाम परमेश्वर कहना चाह रहा है, God is going to tell you, my dear friends, कि सारे जो पीड़ा है परमेश्वर जानता है, हालेलुया, वो सारे कष्ट परमेश्वर जानता है और वो आपको और मुझे छुड़ाने के लिए उतार कर आया है, हालेलुया, वो आपको और मुझे छुड़ाने के लिए छुटकारा को देने के लिए उतार कर आया है। आगे अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है 10 पद में, इसलिए आओ मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा, भेजता हूं कि तुम मेरे इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल कर लाए। परमेश्वर देखा है मेरे प्रियो, उनकी कष्ट को देखा, पीड़ाओं को देखा, उनकी रोना को देखा, उनके आंसुओं को देखा और उनके पास जो लोग उसको सताए जा रहे थे, और 430 साल तक उनके ऊपर जो एक दास का रूप के समान रखा गया था, परमेश्वर ने कहा अब मैं उतार कर आया हूँ, हालेलुया, अब मैं उतार कर आया हूँ, मैं उनको छुड़ा लूंगा, हालेलुया। आज हम नहीं जानते ये परमेश्वर का ये जो समय है कब तक कोरोना वायरस हमारे इस दुनिया में रहेगा, परंतु परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के बिना अनुमति से कुछ भी नहीं होता है। यदि हम परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं, आज के शाम मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि जो लोग कष्ट और पीड़ाओं में हैं, परमेश्वर आपकी कष्ट और पीड़ा को जानता है, आपकी पीड़ाओं को देख रहा है, परमेश्वर आज के शाम उतार कर आया है ताकि आपको और मुझे उन कष्ट और पीड़ाओं से परमेश्वर मुझे मुक्ति देने वाला परमेश्वर, He is able, वो सक्षम है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो हर एक सेकंड में आपके परिस्थिति को बदल देगा मेरे प्रियो, हर एक सेकंड में आपकी हर एक परिस्थिति को वो परिवर्तन करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। मैं वचन को समाप्त करने जा रहा हूं मेरे प्रियो, इस बात को कहते हुए क्योंकि परमेश्वर जो आप और मैं आराधना करते हैं वो जीवित है, और जैसा आयुब ने कहा यदि तू मेरा जीवन को भी ले लेगा तो भी मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। क्या आज के साम आप कहना चाहेंगे और मेरा जीवन को भी आप ले लेगा परमेश्वर कोई बात नहीं, परंतु मेरा भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर है, आपके ऊपर है, कोई बात नहीं, कष्ट और पीड़ाएं आएंगे, दुख और तकलीफ आएंगे, परंतु परमेश्वर
आपके संग और साथ में है मेरे प्रभु। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। मुझे नहीं मालूम कि आपके साथ में कितना कष्ट और पीड़ा है, परंतु आज ए पास्टर मैंने अपनी कलीसिया में लगभग 12 से 15 लोगों को आज इस कोरोना महामारी से जाते हुए देखा है। प्रभु में सो गए हैं, उनके परिवार में बच्चे हैं, कुछ बहनें विधवाएं हो गए हैं, परंतु उस पीड़ाओं को कौन महसूस करेगा? परमेश्वर जानता है मेरे प्रभु कि परमेश्वर आज के शाम कह रहा है, मैं तुम्हारे तकलीफ को, मैं तुम्हारे सारे कष्ट को, पीड़ाओं को समझता हूँ। और हमारे परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो आज अभी इसी वक्त उतार कर आएगा और आपको और मुझे छुड़ा लेगा। हालेलुया। आए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के पास में जाएंगे। ओ परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थोड़े समय आप अपने मनों में, अपने परिवार में सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, इधर उधर ना देखें। परमेश्वर को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे कि हर एक दिन परमेश्वर आपको और मुझे दिया है। ये परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह है मेरे प्रियो। ओ गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक के अनुसार हमारे भारत में दूसरी लहर में लगभग 40 लाख लोग मर चुके हैं मेरे प्रियो, पर आपको और मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है। ये जो श्वास है, ऑक्सीजन है, जीवन है, परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपने परिवार में प्रार्थना कीजिए, आपके बच्चों के लिए धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर को आप कहिए, प्रभु जी धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद देते। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। मेरे प्यारे राजा परमेश्वर खुदावन, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे उपासना मंडली के लिए, सभी परिवार के लिए, पासवानों के लिए पिता परमेश्वर, ओ आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, यदि हमारे प्रिय भाई और बहने ओ किसी प्रकार की पीड़ाओं में है, तकलीफ में है, अपने प्रिय लोगों को यदि खोया है पिता परमेश्वर, आप उन्हें अपने शांति को, अपनी चंगाई को पिता परमेश्वर आप भर दीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज के शाम तेरा वचन कहता है कि तू हमारे हर एक तकलीफ को महसूस करता है, हमारे पीड़ाओं को देखने वाला परमेश्वर है। और केवल उतना ही नहीं कि हमारे चिल्लाहट को, हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। और प्रभु जी आपने कहा, मैं उतार कर आया हूँ, मैं तुझे इस कष्ट से, पीड़ाओं से मैं तुझे छुड़ा लूंगा। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के पासवानों के साथ रहिए, वो प्रत्येक मंडली के प्रत्येक परिवार के साथ उनको आशीष दे, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, और तेरे सामर्थ्य इसी वक्त पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति को महसूस करने वाले हो सके। हालेलुया, पवित्र आत्मा के सामर्थ को महसूस करने वाले हो सके। और यदि कोई छुटकारा की आवश्यकता है, यीशु के नाम से छुटकारा को तो दे पिता परमेश्वर। यदि किसी की चंगाई की आवश्यकता है, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें चंगाई को प्रदान कर। किसी को शांति की आवश्यकता है, प्रभु आप शांति का राजकुमार है, आपकी शांति से भर दे पिता परमेश्वर। और कोई कष्ट और पीड़ाओं में है, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनके सारे कष्ट और पीड़ाओं में आपके सामर्थ को उंडेल दे पिता। धन्यवाद करते आपने हमारे प्रार्थना को सुना, पुनः हमारे इस उपासना मंडली को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जब तक तू आए ओ पिता परमेश्वर, हम बादलों पर मिले, हमें अपनी सामर्थ से भरिए, ताकि हम पवित्र रीति से अपने जीवन को बिता सके। आदर महिमा गौरव आपको देते हैं, दुआ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के सामर्थ्य नाम से कर मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।